थोड़ा सा एक और समायोजन, जब न्यस्त हुआ था उसके साथ में बीएड भर्ती पर भी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई थी, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बीएड को हरी झंडी दी गई और 69,000 में उन्हें शामिल किया गया। तो जब आप बीएड के लिए नया शासन आदेश बना करके और उसे जारी कर सकते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आप उन्हें जगह दे सकते हैं, वो लोग आज नौकरी कर रहे हैं, और बीएड वालों को 6 महीने का एक विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण करना होता है, वो प्रशिक्षण आज तक नहीं हुआ, ना कहीं शासन में कोई भी इस पर कोई टीका टिप्पणी है कि इन लोगों को किसी भी तरह का कोई बीटीसी का, विशिष्ट बीटीसी का कोई प्रमाण पत्र या 6 महीने की कोई ट्रेनिंग करनी। वो चलिए लोग जिस दिन से चलिए, नियुक्त मैं हुए दोबारा आऊंगा आज आपके पास तक पूरा दोबारा। वेतन पा रहे। जी सर, जी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं छोटा सा एक कमेंट सुरेंद्र सर से लूंगा। सुरेंद्र सर, कोर्ट से न्याय मिलेगा अनुदेशक को, शिक्षा में तो कोर्ट जाने लायक भी नहीं छोड़ा है, और कोर्ट ये क्यों नहीं जा रहे वो ये तय करेंगे। मैं नहीं कह सकता कि कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो, लेकिन आत्महत्या कोई रास्ता थोड़ी है। हाँ ये तो देखिए, हम लोग इस मंच पर लगातार अपील करते रहे हैं, क्योंकि जब इस ढंग की खबर आती है तो कहीं से हम लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता, मन दुखी होता है, और फिर जो हमारे मदद करने की स्थिति होती है, मना स्थित होती है, तो लगता है कि भाई जब ये लोग हमारे कोई बात सुनते ही नहीं तो ठीक है, जो करना चाहते करने, लेकिन ठीक है जो लोग ऐसा करते हैं वो एक क्षण ऐसा होता है जब आगे